कैंची की तरह चलती है तेरी जुबान। कैंची से ही काट दूंगा। हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और आज की टॉपिक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। तो साउथ इंडियन कन्नड़ा सुपरस्टार किच्चा सुदीप ने एक मूवी फंक्शन में कुछ ऐसा कह दिया जिसपे बॉलीवुड एक्टर्स में अजय देवगन की सुलग गई। बट ये पूरा मैटर ना जितना शैलो दिखता है उतना है नहीं, और ये पूरा मैटर दोगलेपन से लिपटा हुआ है। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। पॉइंट नंबर वन, क्या है ये पूरा मामला? तो एक मूवी के फंक्शन में सुदीप से ये पूछा गया कि सर, KGF 2 जो कि इतनी हिट हुई, एक पैन इंडिया मूवी बन गई, वो कन्नड़ा में बनाई गई। इस पे सुदीप किसी और ही डायरेक्शन में निकल लिए। उन्होंने कहा कि करेक्ट इट, हिंदी इज नो मोर द नेशनल लैंग्वेज, इट इज नो मोर अ नेशनल लैंग्वेज। बट रुको जरा, उन्होंने आगे भी कुछ कहा। You said that a pan-India film was made in Kannada. I would like to make a small correction. Hindi is no more a national language. They are doing pan-India films today. They are struggling by dubbing in Telugu and Tamil, but it is not happening. Today we are making films that are going everywhere. अब इस बात पे हमारे सिंघम साहिब की ऐसी सुलग गई और उन्होंने सुदीप को ये तक कह डाला कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा थी, है और रहेगी। अब यार चलते हैं थोड़े डेप्थ में। पॉइंट नंबर टू, दोगलापन। अब यार आज के डेट में किच्चा सुदीप KGF चैप्टर 2 के हिट होने की गर्मी में बह तो गए, और इनके स्टेटमेंट को डिफेंड करने के लिए एक से एक लोग मैदान में कूद पड़े। जो पॉलिटिकल साइंस की पेपर में गाने लिख के भाग आते थे, वो आज 8th शेड्यूल और ऑफिशियल लैंग्वेजेस का ज्ञान झाड़ने लगे हैं। तो अरे भैया जरा रुक जाओ और ई देख लो। 2019 में सुदीप भैया की मूवी आई थी पहलवान नाम से। उस मूवी के प्रमोशन के दौरान सुदीप भैया अपने कन्नड़ा प्रेम को भूलकर इस कदर खोए कि ये खुद हिंदी को नेशनल लैंग्वेज, ध्यान से सुनना, नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा बोल आए थे। अरे गजब मदारी के बंदर की तरह पलटी मारते हो सुदीप भाई। जब खुद की मूवी के लिए ऑडियंस बटोरनी थी तो हिंदी की जय जय, वहाँ फैक्ट्स एंड नॉलेज खो गई और हिंदी राष्ट्रीय भाषा हो गई। और जब कन्नड़ा इंडस्ट्री थोड़ी सी बेहतर दिखी, तुरंत सुदीप भैया को कॉन्स्टिट्यूशन का ज्ञान याद आ गया। इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे तरफ से अश्नीर भाई बोलेंगे। अश्नीर भाई बोलिए जरा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अब पॉइंट नंबर थ्री, क्या मामला सच में भाषा का था? तो यार आप सब एक बार उस रिपोर्टर के सवाल को दोबारा सुनो। उसने पूछा कि सर, कन्नड़ा में बनने के बाद भी ये मूवी हिट हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? यानी सवाल प्योरली फोकस था मूवी के सक्सेस पे और उसके कॉन्सेप्ट पे, ना कि भाषा पे। बट सुदीप भैया को तो भाषा पे चढ़नी थी ना। अरे पागल हो क्या, सीधे सीधे कॉन्टेंट पे बोलो ना कि साउथ इंडस्ट्री कॉन्टेंट दे रही है, बॉलीवुड नहीं दे रहा। ये बोलते ना, इस पे हम सभी साथ मिलके गरियाते बॉलीवुड को। बॉस ये तो हम सब आए दिन कहते फिरते हैं कि बॉलीवुड कहां जा रहा है, इसमें भाषा कहीं से लाने का पॉइंट था ही नहीं। मतलब एकदम टोपा इंसान हो क्या यार। पर ना रुको, एक विश्लेषण अभी बाकी है। पॉइंट नंबर फोर, सच क्या है? तो एक लाइन में पहले कह दूं, सच ये है कि साउथ इंडस्ट्री की आधी से ज्यादा सक्सेस इसी हिंदी भाषा की देन है। आज के डेट में इंडिया में साउथ मूवीज नॉर्थ में फेमस कब हुई? जब मेरी जंग मूवी हिंदी में डब हुई थी। हम आज KGF के मीम्स या रील्स, पुष्पा के मीम्स या रील्स देखते हैं, या RRR मूवी की नाचो नाचो सॉन्ग के रील्स देखते हैं, वो सब हिंदी के ही होते हैं। जो लोग इस भसड़ को डिफेंड करने पहुंच रहे हैं, उनसे मैं कहूंगा कि भाई तुम लोग यार KGF मूवी की एक भी डायलॉग कन्नड़ा में बोल के दिखाओ। कोई जानते भी हो, कोई याद भी है? रही बात पैन इंडिया लेवल पे चमकने की, तो बाहुबली, RRR और KGF के बाद मुझे चौथी किसी ऐसी साउथ मूवी का नाम बता दो जो पूरे इंडिया में आग लगा दी हो। अब साहो लिखने मत आना, उसके कंटेंट के नाम पे सी भी नहीं था। एक भी गिनवा दो अब मुझे। ये किस ख्याली दुनिया में जी रहे हो सुदीप सर? बीस्ट रिलीज हुई थी ना साथ में, डब हुई ना हिंदी में, क्यों पिट गई? क्या उसमें नहीं था भाषा का जोर? सुदीप साहिब कहते हैं बॉलीवुड वाले अपनी मूवी तेलुगु में डब करवा रहे हैं, सब करके देख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनसे। तो भाई आपकी मूवी भी हिंदी में डब हुई है ना, कितनी चली है? सच्चाई यही है कि साउथ मूवीज बार बार लगातार टीवी में दिखा दिखा के सबको उनकी लत लगवाई गई। बट जितने मूवी सच में हिंदी डब में रिलीज हुए, उनके फिगर्स उठा के देखो एक बार। और क्यों सर, आपकी मक्खी भी आई थी ना, वहां नहीं दिखा ली अपना कॉन्टेंट? देखो भैया लोग, साफ और सीधी सी बात है,
है, बढ़िया कंटेंट बॉलीवुड भी देती है, साउथ भी देती है, और बॉलीवुड अगर टट्टी देती है तो साउथ इंडस्ट्री भी टट्टी देती है। बट एक बात ना काफी इंटरेस्टिंग है, अजय देवगन के रिटेलिएशन में लॉजिक नहीं था, आई वोंट डिनाई दिस, बट सुदीप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिख डाली अपने ट्वीट में कि क्या हम सब इंडियन नहीं है सर। तो मैं कहूंगा कि सुदीप भैया, जब आजकल आप खुद के नैरेटिव्स को इतना फैक्चुअली सही करने पे ध्यान दे ही रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगे हो, तो थोड़ा साउथ इंडिया के कंपोजिशन की फैक्ट भी चेक कर लेते। रीजनलिज्म का गढ़ है साउथ इंडिया, पूरे इंडिया में, वो भी फजल अली कमीशन के रिपोर्ट्स के बाद सिर्फ भाषा के बेस पे स्टेट्स बंटवाने वाले यही लोग पहले थे। कन्नड़नाडु बना, तमिलनाडु बना, आंध्र प्रदेश से तमिल मेजॉरिटी एरिया तेलंगाना अलग हुआ, और अब द्रविड़ नाडु का एक कॉन्सेप्ट इनके यहाँ चलने लगा है। इंडिया माने भी थे कभी, और मैं यहाँ कह दूं कि मैं मेरे सभी साउथ इंडियन भाइयों को कुछ नहीं बोल रहा, हम सब आपको, आपके कल्चर को, आपके रहन सहन खान पान को इतना अपना मानते हैं कि होटल में जाने से कोई दाल चावल उतना ऑर्डर नहीं करता जितना मसाला डोसा और उत्तपम करता है। भाषा और रीजनल आइडेंटिटी पे ऐसे कुछ चुनिंदा लोग लड़ जाते हैं और अपने नैरेटिव्स और अपनी मतलब निकालने के लिए लोगों को भड़का देते हैं। उन सारे पोस्ट के कमेंट देखना, बस नफरत ही नफरत नजर आएगी। क्यों इन स्टार्स के बातों पे लोग इतना ध्यान देते हैं यार? अरे ये तो वो है जो खुद के मूवी के टाइम हिंदी की वकालत कर रहा था और आज उसी भाषा को बिना मतलब के घसीट दिया। किच्चा सुदीप फैक्चुअली सही था, बट सिर्फ फैक्चुअली सही होना सब कुछ नहीं होता। हम सबको तो इनके भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, आज हर एक नॉर्थ इंडियन ऊ अंटा वा मावा ऊ अंटा वा मावा ही गाता दिखेगा, उसका हिंदी वर्जन नहीं। आज भी नॉर्थ की शादियों में आ अंटे अमलापुरम बजता दिख जाएगा, नाक मुक्का और अपड़ी पोड़े भी बजता दिख जाएगा। तो भाषा हमारे लिए और हमारे आइडेंटिटी के लिए मायने नहीं रखती साहेब। नॉर्थ इंडिया आज भी दर्जनों स्टेट से मिलके बना है, अलग अलग डायलेक्ट्स हैं, हजारों वेरिएशन हैं, बट आज भी यही एक भाषा हिंदी इन करोड़ों लोगों को जोड़ के रखी है। तो हम उल्टा खुद चाहेंगे कि जो इन्होंने कहा है ना अपने ट्वीट में, उस पे खुद अमल करें। और कुछ और ही सवाल में रीजनल आइडेंटिटी और नेशनैलिटी और यूनिटी ना ही घसीटे, दोनों से यही एक्सपेक्टेशन रहेंगी। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने देखा कि ये मैटर एक्चुअली चल क्या रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि आपका क्या व्यू है इस पूरे मैटर पे। और ऐसे सुपर ऑसम वीडियो के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।